35 बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, वो सिग्नेचर भी फोर्ज है, वो 35 बच्चों के नाम भी फोर्ज है। कोर्ट में कहा भी और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में आया भी है। जज ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जज ने इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी, बस जज ने जो आईओ ने कहा है वो कोर्ट कर दिया। जबकि जज ने भी ये कहा कि जब जो कानून कहेगा तब तो अरेस्ट करना पड़ेगा ना। मेरे लिए बहुत बड़ी धक्के की और शर्म की बात ये थी कि आईओ जो है, एक तो वो हमारी ही जाति से आते हैं, बिल्कुल सेम कम्युनिटी से हैं, और दूसरा सबसे बड़ा धक्का ये लगता है कि आप आईओ हैं तो आपको मेरे केस में रहना है, मेरे पक्ष में बोलना है, क्योंकि आप मेरे केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आईओ एसीपी रैंक का होता है एससी एसटी केस में, और वो आईओ कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे के आते हैं। और उन्होंने बहुत बारी मुझे पहले भी बोला था, जब मैंने उनसे पूछती थी कि सर अब तो ये पेपर्स पे आ चुका है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है वो कॉलेज को मौका टाइम देती है कि ये जो आपने झूठ बोला है, ये जो हमारा आरोप है उसको सिद्ध साबित करें, अगर नहीं करें तो बताओ। तो जो 35 बच्चों के लिए इन्वेस्टिगेशन कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज के पूरे रिकॉर्ड में जितने बच्चे हैं वो 35 के 35 बच्चों का नाम ही नहीं है कहीं। वो जो सिग्नेचर्स फोर्ज हैं वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं है, तो 35 बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, वो सिग्नेचर भी फोर्ज हैं, वो 35 बच्चों के नाम भी फोर्ज हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप कैसे पता कराएंगे कि 35 बच्चे किसी के हैं जब तक आप उन्हें हिरासत में नहीं लेंगे। ऑब्वियसली ऐसे तो वो भागेंगी, ऐसे तो वो मैनिपुलेट करेंगी। जैसे उन पे एक नहीं, उन पे दो दो FIR है। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, उन पे मेरे गवाहों को थ्रेट करने का भी, मेरे गवाह जो थे, जो चश्मदीद गवाह थे इस केस के, उनको थ्रेट किया गया, मेरे गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई, उन पे वो भी FIR है। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि आईओ साहब इतना बड़ा आरोप है आप गिरफ्तार करें, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे रिटायर भी होना है, मेरे भी बच्चे हैं, मुझ पर प्रेशर है। तो मैंने, मतलब आप सोचिए, ऑब्वियसली जो ऊपर समाज में बैठे हैं, ये जाति कभी नहीं जाती, हमारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं या मानसिक गुलामी करने की आदत पड़ जाती है, सच का साथ नहीं देना। जिस तरीके से सर ने कहा कि पता नहीं ऐसी कितनी डॉक्टर रितु होंगी, ये तो मैं हूँ जिसने हिम्मत रखी है, यकीन मानिए मेरी भी बहुत बड़ी मेंटल कैपेसिटी खत्म होने की कतार पे आ गई थी। मैंने भी एक बड़ी हिम्मत हार दी थी, ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ कुछ गलत करूंगी, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं अपने समाज की, शायद ही मेरे अंदर मैं कैपेसिटी भी खत्म हो जाए तो भी शुक्रिया अदा करूंगी ऐसे एडवोकेट का जो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, एडवोकेट महमूद प्राचा जो मेरे वकील हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी जिन्होंने टाइम बाई टाइम जब भी मैंने बोला वो मेरा साथ दिया, वरना मेरा भी आज शायद रोहित वेमुला और पायल तड़वी की तरह एक नाम होता, सच बोल रही हूँ मैं। और मैं उन लोगों से आज गुजारिश करती हूँ अपने समाज के, वैसे तो मेरा हक बनता उनसे मांगने का, लेकिन मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, क्योंकि जब आप जीते जी गुहार लगाते हो ना समाज से कि मेरी मदद करो, मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, तो सब जिसे कहते हैं ना खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई आपकी मदद करने उस टाइम पे नहीं आता। और शायद यही रोहित वेमुला के साथ और पायल तड़वी के साथ, प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ भी हुआ होगा जम्मू यूनिवर्सिटी में, जिनके ऊपर झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मीडिया से भी, समाज से भी, कि प्लीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल मनाए हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में पहली बारी ऐसा हुआ है SC ST केस में किसी के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, ना प्रिंसिपल पे ही नहीं सिर्फ रजिस्ट्रार पे भी। आप मेरा साथ दें, इन लोगों को जेल का दरवाजा दिखाएं। जो आपने प्रोटेस्ट कॉल किया है, उसका उद्देश्य क्या? मैंने कॉल नहीं किया, समाज ने कॉल किया प्रोटेस्ट, उसका उद्देश्य यही है कि वी डिमांड इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर सविता रॉय, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ दौलतराम कॉलेज, वी डिमांड इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रार एंड अरेस्ट ऑफ द रजिस्ट्रार, एंड जो भी इसमें मिले जुले हैं उन सबका अरेस्ट हो। और वी डिमांड, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय ना इंटरव्यूज चल रहे हैं परमानेंट के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो SC ST का हक है ना, OBC SC ST का, वो जिसे कह रहे हैं ना काटने स्लॉटर के आधार पे चल रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो जो उनका बैकलॉग है, जैसे सर ने बताया कि जो हमें NFS कर दिया है नॉट फाउंड सूटेबल करके, आज से 1962 से अगर आप ले लो, ये 62 से चलती आ रही घटनाएं हैं, हम लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल करके उस पर जनरल कैटेगरी के लोगों को पढ़ा दिया जाता है। हमें उनसे नफरत नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें किसी से नफरत नहीं है, हमें जो नॉट फाउंड सूटेबल किया अपनी साजिश से इन्होंने, हम वो अधिकार मांग रहे हैं, हमें SC ST का बैकलॉग मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आप परमानेंट भर्तियां कर रहे हो ना दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो हमारी हैं, वो हमें दे दो, हमारे लोगों को हमारा जो बैकलॉग है वो दे दो, बस हमारी लड़ाई वहां खत्म है। क्योंकि एक सेकेंड, वो जो अधिकार हम मांग रहे हैं वो कोई नजायज नहीं है मांग, वो मांग वो है कि आप माने कि अगर हमें बैकलॉग मिलेगा जो SC ST को गाँव देहात से ढूंढ के लाना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाओ,
आके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे बैठो। हम गलत तो नहीं मांग रहे ना, हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं जी। ये कंटिन्यूअस प्रदर्शन है जो मेरे सुनने में आया, अभी तक ऐसा ही होगा। ये 28 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल। और हमें उम्मीद है पूरे बहुजन परिवार इसमें साथ देगा, मीडिया हमारा साथ देगा। बहुजन मीडिया ही जो है वो असली मीडिया है और हमें आप ही सबसे उम्मीद है सोशल मीडिया से कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ पे मुखर रूप तक पहुँचाएंगे। और जिस तरीके से SC/ST एक्ट डिल्यूट होने से हमने 2018 को बचाया था, 2019 में रोस्टर के अध्यादेश आया था, 13 पॉइंट रोस्टर वापस गया था और 200 पॉइंट रोस्टर आया था। इस तरीके से जिस तरीके से किसान आंदोलन भी वापस गया, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी अंजाम तक जाएंगे, क्योंकि ये पहली ऐसी लड़ाई है, पहला ऐसा केस है जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अंतिम रास्ता यही है, सड़क सड़क। लोहिया जी ने कहा था जब संसद इस तरीके से आवारा हो जाए, जो 131 हमारे MP MLA हैं अपना दायित्व भूल चुके हैं, अपना जो उनका वास्तविक जो उनका फर्ज है हमारी आवाज उठाना, हमारा रिप्रेजेंटेशन लेके वहां बैठे हैं, इफ दे फॉरगेटन द फैक्ट, वो अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सड़कों को सुनसान नहीं रहने देना। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप माने 20% काम आपका कोर्ट से होगा, 80% काम आपका सड़कों से ही होगा। और सड़कें किसके लिए हैं? सिर्फ हमारे लिए, SC/ST OBC माइनॉरिटीज के लिए। सोशल जस्टिस की लड़ाई किसके लिए है? जस्टिस हमारे लिए। तो हमारे लिए सड़कें ही हैं, आंदोलन ही, यही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है, बाकी सब खत्म है हमारे लिए जी। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ महमूद प्राचा भी थे और साथ में हमारे डॉक्टर रितु थी। जिस तरीके से लगातार मनुवादी ताकतों के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ में जो संघी खेल चल रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जो SC/ST प्रोफेसर्स हैं उनकी सीटों को पहले तो नदारद कर दिया जाता है और जब किसी तरह से ये भर्तियां हो जाती हैं तो उनको किस तरीके से परेशान किया जाता है। ये संघी एजुकेशन में किस तरीके से पैठ बना रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी डॉक्टर रितु हैं, उनको किस तरीके तक और किस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुकी थी और उनको ये ऐसी ताकतें ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी और वो चाहते हैं कि ऐसे समाज के जो आगे उठकर मुखर होकर बात करती हैं, खासकर महिलाएं, खासकर प्रोफेसर जो ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनकर और ऐसी ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और शिक्षक बन जाते हैं, तो ये उन संघियों को हजम नहीं हो रहा है और लगातार किस तरीके से एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा है। कभी प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल हो तो प्रोफेसर डॉक्टर रितु हो कि उनको किस तरीके से प्रताड़ित करने का ये काम संघी लोग कर रहे हैं और जो एजुकेशन में किस तरीके से संघियों की पैठ है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए आप शिरकत कीजिए 28 तारीख को जो बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी पे 11 बजे से, उसमें ज़रूर आएँ और हमारे और आपके समाज की बात जो है वो हम और आप ही समझ सकते हैं, और हम और आप हक अधिकार की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो डॉक्टर रितु का जो बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़ें। उसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली।